नमस्कार, विख्यात फूड में मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पनीर भुर्जी बनाएंगे। पनीर का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और बढ़िया से चटपटी सी सब्जी खाने का मन करता है। आइए आज हम पनीर की भुर्जी बनाते हैं। देखते हैं ये कैसे बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैंने क्रम्बल कर लिया है। एक बड़ा टमाटर ले लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। एक बड़ा प्याज है, इसको भी महीन महीन चॉप कर लिया है। लहसुन और अदरक चॉप करा हुआ एक चम्मच। दो हरी मिर्च है, इनको मैंने लंबा काट लिया है। कई बार बच्चे खा नहीं पाते हैं मिर्च, तो अलग से हम इसको हटा भी सकते हैं पकने के बाद। नमक, ये एक पिंच कसूरी मेथी है, इसका मैंने पाउडर कर लिया है। इसके अलावा मसाले में ये देगी मिर्च कलर देने के लिए, एक चौथाई चम्मच किचन किंग है, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी, चौथाई सूखा धनिया आधा चम्मच, पिसा हुआ जीरा ये भी चौथाई चम्मच, और ये गरम मसाला ये भी चौथाई चम्मच। आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून कढ़ाई में तेल ले लिया है, कढ़ाई गर्म हो गई है। आइए इसमें अब जीरा डाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें जीरा डालते हैं। जब जीरा चटक जाए या अपना कलर चेंज कर दे, इसमें ये लहसुन अदरक चॉप करा हुआ डाल देते हैं। हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद इसे 2 मिनट भून लेते हैं, जिससे हरी मिर्च का सारा तीखापन ऑयल में आ जाता है और बाद में हम पकने के बाद मिर्च को निकाल भी सकते हैं, ताकि बच्चों के मुंह में ना आए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं मिर्च खाने में। इसके बाद प्याज डाल देते हैं। प्याज को ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। फ्लेम मीडियम हाई रहेगी। प्याज को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून लीजिए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, प्याज ब्राउन हो गई है। गैस भी मैंने स्लो कर रखी है। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। गैस थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। सारे मसाले डाल लेते हैं इसमें। हल्का सा चलाते हैं। अब गैस ऑन कर देते हैं और ये टमाटर डाल देते हैं। नमक भी डाल देते हैं, इससे टमाटर को गलने में आसानी होगी। स्लो कर देते हैं गैस। टमाटर को गलने तक अच्छी तरह से पका लें। लगातार चलाते हुए भूनेंगे इसे। देखिए 5 मिनट लगा है, टमाटर अच्छी तरह गल गया है, सारे मसाले पक चुके हैं। अब इसमें आधी कटोरी पानी डाल देते हैं। इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं। अब ये क्रम्बल पनीर डाल देते हैं।
एक टेबल स्पून पानी और डालते हैं। गैस स्लो करके इसे 5 मिनट तक ढक के पकाते हैं। पांच मिनट हो गए हैं, आइए इसे चेक करते हैं। पनीर भुर्जी तैयार है। इसे मैंने रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया है। और ये एक चम्मच इसमें क्रीम डाल देते हैं। पनीर भुर्जी तैयार है, आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। पनीर भुर्जी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।